भी जाती है बताए कि फ्री में जांचें हो रही है, वरना लोगों को कितनी तकलीफें होती है, क्योंकि तो सबको पता है कैंसर के कितने, हर गांव में दो चार मरीज तो होंगे और कितनी तकलीफें हो रही है। और ये सब चीजें अगर पहले जांच हो जाए तो नहीं होगी, और उसके लिए जरूरत हुई तो ये भी डिजाइन कर सकते हैं कि या तो एक और मेमोग्राफी की मशीन बन जाएगा या वो ट्रांसपोर्ट होकर इधर भी ला के दो तीन दिन यहाँ पे भी सबकी जांचें करवा लें हफ्ता दस दिन, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज, क्योंकि हर बीमारी को पहले स्टेज पे रोकना अनिवार्य है। और इसीलिए आज आप सबको मैंने बुलाकर चर्चा किया। आप में से किसी के मन में कोई सुझाव हो कि हम और क्या करें जिससे हमारा आत्मनिर्भर भारत की दो मूलभूत बातें खत्म हो रही है, निरोगी काया और अच्छी सोच बच्चों में लाना और उनका मानसिक समुचित विकास करना, तभी तो हमारी नई पीढ़ी विश्वगुरु बनेगी। सब इस बात से तो सब सहमत है ना कि केवल केवल पिछले 5 साल में जो भारत की कोई इज्जत नहीं करता था, आज अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हमने टीका लगा लिया 6 महीने में, आज हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हद पे चले गए, आज हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम लोग अंदर भी चले जाएंगे। याद रखो आप बच्चों को एक खेलना तो वो चूटी चाहते जाएंगे तो क्या सीखा सको, ये सीधी बात नहीं है। वह पानी ढूंढ लिया, ऑक्सीजन भी ढूंढ ली, और वो दिन ढूंढ लिए कि जब बच्चे चांद पे जाएंगे और जाके देखेंगे, क्योंकि सबसे 1/4 कीमत में दूसरे अमेरिका में इन्हें भेजा, उसकी 1/4 कीमत में हमारा ज्ञान पहुंचा, ये तो सबने सुना होगा ना। तो पैसा नहीं होता, खेल दिमाग का, खेल इच्छा शक्ति का है, खेल जड़ विश्वास का है। तो उसी विश्वास के लिए एकत्रित होके नई नींव, मजबूत नींव के साथ, एक नई सोच के साथ अपने जावर को नए तरीके से विकास करने में आप सबका सहयोग की अपेक्षा के साथ, और इसीलिए हम सब मिलकर आज जो सब नेता लोग मिलकर आपका सम्मान कर रहे हैं, उसके पीछे का भाव आपकी पक्की इच्छा शक्ति कि आपने संकल्प लिया कि आप आने वाले समय आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल दुनिया की सबसे तेज सबसे स्मार्ट बच्चे बनाएंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को कोई सुझाव देना तो वो बोल सकता है।